नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी का पाठ 5 जन्मदिन पढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। आइए तो सबसे पहले पाठ में आए हुए नए शब्दों को पढ़ लें। मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है। नए शब्द हैं गुब्बारों, डॉक्टर, दिल्ली, गुलदस्ता, मेहमान और रसगुल्ले। अब आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, मन लगाकर श्रवण करना और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना। आज गीता बहुत खुश है, आज उसका 6ठा जन्म दिवस है। घर में सुबह से ही चहल पहल है, रंग बिरंगे गुब्बारों से घर को सजाया गया है। बच्चों, आपका भी जन्मदिवस आप प्रतिवर्ष मनाते ही होंगे, इसी तरह से आपके घर को भी सजाया जाता होगा। कोई घर की सफाई करता है, नए नए पर्दे लगवाता है, या फिर कोई गुब्बारों से ही घर को सजा लेता है। यानी जन्मदिन को मनाने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो आप भी इसी तरह से अपना जन्मदिन मनाते हो ना? सुबह से ही चहल पहल घर में शुरू हो जाती है और आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। नीचे देखो तो क्या लिखा है, उसके भाई आनंद ने, यानी गीता के भाई आनंद ने उसे सुबह ही फूलों का गुलदस्ता दिया है। घर के सारे सदस्य आपसे प्यार करते हैं, आपकी बहन, आपकी माताजी, आपके पिताजी या फिर आपका भाई होगा, वह आपको सुबह सुबह किसी न किसी प्रकार का तोहफा ज़रूर देता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जन्मदिन पर कौन कौन आया? तो डॉक्टर चाचा दिल्ली से आए हैं। शाम को गीता की सहेलियां आती है, उन्हें देखकर गीता बहुत खुश है। आप भी अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को और अपनी सखियों को आमंत्रित करते हो ना? कितना मजा आता है भला उस दिन, बहुत मज़ा आता है। यहाँ देखो तो घर के बड़े यानि माँ और दादी अम्मा ने बहुत से पकवान बनाए हैं। आपके भी घर पर आपके दोस्तों की और आपके घर आने वाले अतिथियों की मेहमान नवाजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। यानि सारे बड़े बूढ़े आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। अब देखो, जन्म दिवस मनाने का समय शुरू हो गया, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मेहमानों के आने पर गीता केक काटती है। इसी प्रकार का केक आपके लिए भी मंगवाया जाता है ना? बिल्कुल मंगवाया जाता है, क्योंकि यह क्षण बड़ी ही खुशी का क्षण होता है। सारे मेहमानों के आने के बाद, दोस्तों, मित्रों, सखियों के आने के बाद केक काटना शुरू होता है। तो गीता भी यहाँ पर केक काटने की शुरुआत कर रही है। केक खाने के बाद चंपा गाना सुनाती है, रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। आपके मित्र तो बड़े ही प्यारे होते हैं ना, सब में अलग अलग प्रकार की खूबियाँ होती है। अब यहाँ पर गीता की सखी का नाम है चंपा और रत्ना, तो चंपा ने क्या सुनाना शुरू किया? गाना।
और रत्ना क्या सुनाती है? मजेदार चुटकुले सुनाती है। केक काटने के बाद माँ गीता को एक डिब्बा देती है। अब इस डिब्बे में क्या होगा? जरूर माँ ने गीता को एक ऐसा उपहार दिया होगा जो गीता को काफी पसंद हो, है ना? नीचे देखो तो दादी अम्मा सबको रसगुल्ले खिलाती है। खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं, यानी मेहमान अगर आए हैं तो उनकी मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी ना, बिना खाए उनको कैसे भेजेंगे। अब कोई खाना खिलाता है तो कोई नाश्ता करवाता है। यहाँ पर दादी अम्मा ने सबको रसगुल्ले खिलवाए और सबने उसके बाद खाना खाना शुरू किया। जब सभी मेहमानों ने गीता का जन्मदिन मना लिया तब वे अपने अपने घर जाने लगे। लेकिन एक अहम बात, मेहमान जब जाते हैं तो उनका तभी भी स्वागत किया जाता है धन्यवाद के साथ। देखो तो भला क्या लिखा है, गीता के पिताजी सबको धन्यवाद देते हैं। जन्मदिन पर आने वाले सभी छोटे बड़े बुजुर्ग जिसका जन्मदिन होता है उसे आशीर्वाद देते हैं ना। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हुआ। तो बोलो, समझ गया ना पाठ? कितना आसान और कितना प्यारा, सुंदर और मजेदार है आज का पाठ। तो चलो, अब समय है गृह कार्य का। जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, उसे दृढ़ करने का। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला क, आज कौन खुश है? ख, घर को किससे सजाया गया है? ग, दिल्ली से कौन आए हैं? घ, माँ और दादी अम्मा ने क्या बनाए? प्रश्न दो, वाक्य बनाइए। क, डिब्बा। ख, पिताजी। ग, केक। बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन ले लो और कॉपी में प्रश्न एक और दो हल करो। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप तुरंत हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।